हेलो फ्रेंड, वेलकम। आपको आज हम बताएंगे कि भी कैसे प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं। तो ये हमने पहले से ये तैयार कर रखी है। ये मूंगी होती है, जो ग्रीन दाल होती है, उसको हमने इसका स्प्राउट्स बना रखा है पहले से, और स्प्राउट्स हमारे तैयार हैं। और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इसमें ये चीज़ें कुछ डालेंगे, जैसे ये है एप्पल है, चुकंदर है, मूली है, गाजर है, ककम्बर है। तो इसमें हम थोड़ा सा टमाटर प्याज भी डाल सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप चाहें इसमें डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं। सो इसको मैं प्रिपेयर करने के लिए ये चॉपर के साथ इसको ब्रीक ब्रीक जो है कटिंग करूँगा इसकी। अब तो मैंने ये जो कुछ भी इसमें स्प्राउट्स में डालना है वो मैंने काट लिया। जैसे चुकंदर है, ये आप देख रहे हैं ब्रीक ब्रीक कटा है, ये मूली है, और ये खीरा है, और ये कैरेट है, और ये एप्पल है। थोड़ा सा नींबू डाल लेंगे टेस्ट के लिए, अच्छा लगता है। और भी आप प्याज डालना चाहे तो सभी कुछ डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। तो चॉपर के साथ मैंने काट लिया, अब इसको एक तरफ रख दिया मैंने। तो ये हमारे पास दो आइटम हैं। तो इसको हम सभी को मिलाकर, जी मैं इस नींबू को यहाँ प्लेट में रख लेता हूँ, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरत पड़ेगी तो इसको डालेंगे। पहले हम इस सभी मटेरियल को जो है मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम ये जो दाल जो हमारे पास पुंग हुई पड़ी है, जो छोटे छोटे इसमें जो निकले आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अंकुर से निकले आते हैं, तो पंजाबी में कहते हैं पोंग गई है ये दाल। तो ठीक है, इस सभी को जब हम इसमें डालेंगे, जितनी दाल है ये हमारे स्प्राउट्स, उतने ही इसमें हमने ये मटेरियल डाल देना है। तो उतना मटेरियल डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे भी सलाद आइट में जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए, अब हम इसको इसके बीच डाल देते हैं सभी आइटम, जो भी था हमने ब्रीक ब्रीक कटा हुआ है, कटने के बाद इसमें डाल दिया है। तो अब ये हमारा स्प्राउट्स है, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के लिए मेरे पास ये पट्टा है, ये ज़्यादा बेटर है हाथ से करने से ना, तो बढ़िया से ये मिक्स हो जाता है। तो खाने में भी ये स्प्राउट्स अच्छे लगते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी को ही अच्छा लगता है। वैसे भी दिन में एक बार ये 11 से 12 लंच से पहले खा लो या लंच के बाद खा लो, 2 से 3 बजे के बीच। तो इसमें थोड़ा सा ये हमारे पास ये नींबू, हमारे घर का ही नींबू है, बहुत अच्छा नींबू हमने बाहर लगा रखा है अपनी बगीची में जी। तो इस नींबू को हम थोड़ा सा इसके बीच डाल देते हैं। हमारे पास ये सभी के पास होती है घरों में, तो ये इसमें हमने आधा नींबू रखा, तो ये मैंने कर दिया इसको निचोड़ दिया इसके बीच, तो दूसरा भी अब निचोड़ दिया। तो अब इसके बाद ये देखो, मैं इसको कचरा जो पड़ा है इसको बाद में उठा लूँगा। तो हमारा ये स्प्राउट्स है अब तैयार है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप भी घर में बनाएं तो आपको भी ये अच्छा लगेगा, जो खाने के लिए भी अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा नमक डाल लें, कोई कुछ लोग नमक नहीं डालते, कुछ डाल लेते हैं, पर जब इसमें हमने फ्रूट और सलाद डाला हुआ है, कुछ चीज़ें फिक्की होती है सलाद आइटम में, जैसे कुछ मीठी होती है, जैसे एप्पल है, जो चुकंदर है, इस अगर अंगूर हैं तो उसके भी आधे आधे पीस करके इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे ये स्प्राउट्स हमारे तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसको आप अब डाल लें, दो प्लेट डिश ले सकते हैं आप, उसमें डालकर आप इसको खाएं तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में ये हमारे पास दो बाउल्स हैं, बड़े अच्छे बाउल्स हैं जी,
ग्रीन कलर के हैं, तो इसमें मैं इसको अभी डालने जा रहा हूँ। तो देखिए आप, ये देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ये बॉल में डाला हुआ। तो बॉल में डाला तो ये इतना अच्छा लग रहा है, तो इसकी मैं एक क्लोजअप दिखा देता हूँ आपको। तो क्लोजअप के लिए ये देखिए, और इसका मैं एक स्नैप्स ले लेता हूँ, ले लिया। तो देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है ये। ऐसे आप भी इस प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको बच्चों को दें, आप खाएं, बड़ों को दें, जवानों को दें, सभी को अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ओके बाय। अगर आपको मेरी ये रेसिपी स्प्राउट्स बनाने का ढंग तरीका अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय।